अरे राठी जी बैठो। और सुनाओ राठी जी, कैसी चल रही है तैयारी? रोडमैप ऑलमोस्ट तैयार है चौधरी साहब, पर तेजस कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट चल रहा है, जिसकी वजह से पार्टी वर्कर खुश नहीं है। और आप ही तो कहते हैं सर कि पॉलिटिक्स में जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। राठी जी, अगर बच्चे को चोट लगने से बचाओगे तो सारी उम्र बचाना पड़ेगा, और अगर चोट लगने के बाद बच्चे को खुद समझ में आए तो इससे बेहतर क्या होगा? अरे वाह, आजा मेरे शेर बैठ जा। और सुना, खुश रहो बेटा, इलेक्शन की तैयारी कैसी चल रही है? डैड, जिस दिन मैंने पहली स्पीच दी ना, आपको वहां होना चाहिए था। स्टूडेंट्स का रिस्पांस बहुत अच्छा था। भगवान ने चाहा ये इलेक्शन हम ही जीतेंगे। स्पीच पे तालियां बनने से जीत पक्की नहीं होती चौधरी साहब। ये तो तेजस को मानना पड़ेगा कि उसकी पहुंच ना तो हॉस्टल रूम तक है और ना रूट तक है। व्हाट डू यू मीन राठी जी? अब आप क्या चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट के माथे पे पिस्टल लगा के वोट की छोटी लूं? मैंने ऐसा राठी साहब, ये मेरे पॉलिटिकल करियर की शुरुआत है और मुझे मेरे तरीके से काम करने दो। राठी जी, तेजस बेटा ठीक कह रहा है, शाबाश बेटा। थैंक यू डैड। वेल डन, ऐसे ही लगा रहे। दीपे, तेरा कर्जा लाउण दी रस्म नवाउंदे ना, मेरे को सिर्फ 50,000 रुपया रह गया। आप दे जानी मैं 6 महीने का खर्चा लेके आया सी, पर जे ऐं चलदा रहा ना 6 महीने तक गड्डी बगवा के तू आटो चढ़न जोगे भी नहीं छड़ना। पर तर मैं आखिरी खाता ही सी। पता नहीं भरावा, तर मैं की कहंदा सी, आपां थोड़ा रुक के चलीए। क्यों, हुण की हो गया? एक तो यार जो मैं कुछ कहना होना ना, वो मान लिया कर, मैं तजर्बे चो बोलदा। ना, तू तजर्बे चो नहीं दीपे, तू हमेशा कर्जे चो बोलता होना। जे फिर बोझी लिया तो सुन ला भरावा, अज हैगी 1 तरीक, 2-4 दिन टप जान दे, आप किराए का कुछ कर लांगे। की कर लांगे? दस की कर लांगे? मेरा मतलब देख लांगे, हुण एक बारी अंकल नूं तां सौ जान दे, हैं, फिर चलते आप। यार जिथे इन्ने नबेड़े है ना, जेड़ा एदा रहिंदा एदे भी मार 10-15,000 मत्थे च। आजा आजा आजा। ओ ओ एक मिनट उतर में। आजा यार, कुछ नहीं हुंदा, उतर में। मैं हैगा ना तरमिया, इन्ना तत्ता ना चल भाई, ये बहुत हरामी लोग ने। ते तू ही कल्ला इनोसेंट चिल्ड्रन है ना। हाँ जी बेटा। दसो अंकल जी, ये की हिसाब किताब रहा? तुम भी सौवो, असी भी सौईए। मैनू नहीं पसंद जी इस तरह लुक लुक के जे करे आना। एक मिनट रुको, मैं डायरी लेके आया। हाले भी मुड़ चल, कहा ना मैं हैगा। आ डायरी इसे दी है, हुण तो फुल होगी बेटा। छड्डो अंकल जी पुरानियां गल्लां, तुसीं हिसाब दसो आपां नबेड़िए। महीना किहड़ा चलदा बेटा? नवंबर जी। हाईशा,
मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर तुहाडे बन के बेटा 9,763,000। मैं तो कहा सी जी कानू रात नू उठा लेना आपा कर ही लेना सी सवेरे। अंकल जी ये ना तुसी इहदे नाल ही नबेड़ लियो जी, ये लेखा जोखा मैनू थोड़ा जा हैवी लगदा। आ तां फड़ाओ बेटा हैं, ये तो साल का यही कहता आ रहा है कर लेंगे, पर आप गल्लां च नहीं आना बेटा। अंकल जी चलो ठीक है जी, बकाया तुसी आप बाद च कर लेंगे। ना ना ये कर लेंगे वाली सलैंग इहदी है, तो इहदे चों निकलिया कुछ नहीं, आपां नहीं बेटा ये शब्द वरतना, समझ गया। अंकल जी कदे पैसा नहीं रखा कहे दा, पिंड बड खाने दे बजदे आ। एड्डी तेरी चटाले नूं पिट लगदी है, चल होर मार दो। असल च मैं एटीएम चुकरा, एक्चुअली मैं सवेर दी सैर करना आया सी। ब्रेकफास्ट करोगे? इन्ने पैसे है नहीं मेरे कोले। दिन दिहाड़े चिट्टा झूठ, चलो कोई ना ब्रेकफास्ट मेरे वालों सही, नाले आपां गल भी तां करनी है उदन वाली। ये थोड़ा जिहा महंगा सौदा नहीं, आपां किते होर चले जाने। ओ कम ऑन, इन्ना नहीं सोचीदा, चलो मैं करवानी आ। हुण तां भैणां दा ढाबा भी नाल ही सी। एक दिन इत्थे मेरी भी फोटो लगी होगी, है ना? हाँ लग भी सकती है। ओके किरण, एक्चुअली मेरे को पैसे हैगे आ, पर ये पैसे वो पैसे नहीं, एक किराए दे पैसे आ, ते इन्हां नूं मैं पैसे समझ के पैसे वांगू वरत नहीं सकदा। सो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट, आई गेट इट। ते मैं एक गल करनी सी। तरम मेरे नाल एक प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? मैं समझे नहीं। मेरे नाल प्रॉमिस करो, जे मैं थोड़े नाल फिल्म दी गल करूंगी ते तुसी मुगली आजम वाला डायलॉग नहीं बोलोगे, इत्थे बाहर दे लोक ने। मतलब तुसी मैनू रोल देने लई ब्रेकफास्ट करवा रहे हो? जे तुसी जवाब दोगे तो मैं दसूंगी। ओके, लोग रोल देने तो पहला ना ऑडिशन लेंदे आ, तो तुसी मैनू ब्रेकफास्ट करवा रहे हो। हॉलीवुड स्टाइल राइट, मीट एंड ग्रीट। ओके या हॉलीवुड स्टाइल। सामने गया सी मैं, पर मैं पहला थोड़ा ऑडिशन देखा होया तो मैनू होर दी लोड़ नहीं हैगी। सो तुसी मैनू दसो तुसी रोल करोगे? मेरा ऑडिशन कम कर गया ना? या पता सी मैनू, पर ऑडिशन तो मैं हिंदी च दिता सी ना। एनीवे किरण, मैं कुछ कहना चाहना है, इफ यू डोंट माइंड। ओके। किरण मैं जो कहन लगा मैं कदे किसे नू नहीं कहा, मैनू लगदा हुंदा कि मुंडे अपनी मां दे नेड़े हुंदे आ ते कुड़ियां अपने प्यो दे, ते मेरी मां दा मनना है कि मुंडियां दा पहला प्यार मां हुंदी है, ते दूसरा प्यार वो कुड़ी जिस नाल वो अपनी पूरी हैती दे सुपने देखता है। किरण पता है इंसान दा सब तो बेहतर सलाहकार उहदा दिल हुंदा है, ते जिस दिन मैं पहली बार तुहानू यूनिवर्सिटी च देखा सी तां मेरे बेहतर सलाहकार ने मैनू कहा कि ही वो कुड़ी है। मैनू पता है तुहानू इह गल थोड़ी जी अजीब लगूगी, पर मेरी मां ने कहा सी जिस दिन तैनू वह कुड़ी मिले उहदियां अखां च देख के कही कि तू ही मेरा दूसरा प्यार है।
ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਆਡੀਸ਼ਨ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਮਾਂਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂ, ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਮਾਂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਆਪਣੀ। ਅਤੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਕੈਨ ਆਈ ਗੈਟ ਦ ਬਿੱਲ ਪਲੀਜ਼? ਕਿਰਨ, ਮੇਰਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਯੋਰ ਬਿੱਲ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਰਨ, ਕਿਰਨ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਹੇਅਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ। ਕਿਰਨ, ਕਿਰਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਕਿਰਨ, ਕਿਰਨ, ਆਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਮ ਨੇ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਰਨ, ਧਰਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਾਲਿਆ, ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਏ ਦ ਵੇ, ਆਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਯੂ ਆਰ ਸਿਲੈਕਟਿਡ। ਯਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਨਾਓ। ਜਾਂਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਥੱਕਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੂਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਕਦੋਂ ਕਿਨੇ ਮੋੜੀ, ਜਿੰਦੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਦੇ ਹੜ ਨਾਲ ਰੁੜਦੀ ਰੁੜਦੀ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁਲਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਸੇ ਮਰ ਗਏ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਣਾਈ, ਸਿਰ ਚੋਂ ਪੂਣੀ ਥੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੀ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਕਿਰਾਇਆ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਓ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਤਰਸੇ ਪਏ ਸੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਥੱਲੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ? आज हम फिर बसरा, काहिरा और बगदाद की रवायतों को दोहरा रहे हैं। वो निलाम घर जो कभी सड़कों पे और चौराहों पे लगा करते थे, आज हम उन्हें अपने घरों में, अपने कमरों में ले आए हैं। आज भी कुंवारियों के बदन बिकते हैं, आज भी बोलियां लगती हैं। किमें लगी मेरी एक्टिंग? बढ़िया सी ना? चढ़ाता चंद,
ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਤ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਦਣ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਰਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਧਰਮੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਪੈਸਾ ਨੱਪ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀਰੋ ਸਾਰਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਰਾ ਲੈਣ ਜੋਗੇ। ਫੌਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 11 ਵਜਦੇ ਨੂੰ ਰੂਮ ਖਾਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਨਿਸ਼। ਲੈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ, ਪਾਸੇ ਹਟ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਅਗਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਨਹੀਂ ਲਾ 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 ਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਾ ਜ਼ੋਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੰਭ ਗਿਆ। ਅੰਕਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अंकल वो दीपा भैया का घर जा रहे हैं? हाँ हाँ, जाना भी चाहिए, त्योहार है ना। लो बेटा, खीर खाओ। खीर? अरे वाह अंकल, इतनी मेहरबानी, लेकिन किस खुशी में? बेटा आज मोरनी सुई है। अरे क्या कह रहे हो अंकल? ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਬੇਟਾ, ਹੈਂ ਖਾਓ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਦੀਪਾ ਭਈਆ ਨੇ ਆਪਕਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਹਮਰਾ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੈ ਮਰਲਾ ਮਰਲਾ ਗੱਲ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਅੱਜ। ਓਏ ਓਏ, ਐਡੀ ਗੋਲੀ! ਫ੍ਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹੀ ਹਲਕ ਜਾ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਊਂ ਨੰਗ ਕਰਤੇ। ਧਰਮੇ ਧਰਮੇ, ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਇੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਛੇਤੀ ਤੋਰ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਕਾਲ ਮੱਚ ਗਈ, ਤੋਰ ਲਾ ਵਧੀਆ। ਬੇਟੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਚਿਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਿਆਰ ਜੀ, ਹਮਰਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ? ਬਸ 2000 ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੈ 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 ਲੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ। ਅਰੇ ਰੁਕ ਜਾਈਏ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਾਤ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਦੀਜੀਏ। ਰਾਸ਼ਨ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅੰਕਲ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦਿਆ ਥਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਮਰਲਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਪਾ ਲਿਆ ਧਰਮਿਆ? ਯਾਰ ਦੀਪੇ, ਊਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਲੈ ਧਰਮਿੰਦਰਾ, ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਓਏ ਓਏ, ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਹੈਂ, ਮੋਟ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਯਾਰੀਆਂ। ਅਰੇ ਧਰਮ ਪਾ ਜੀ, ਆਪ ਇੱਧਰ ਕੈਸੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਯਾਰ ਮੋਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਲੀਏ ਨਾ ਫਿਰ, ਅੰਦਰ ਚਲਤੇ ਹੈਂ। ਚੱਕ ਲਾ ਸਮਾਨ ਫਿਰ। ਸਮਾਨ? ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੀਪੇ ਮੈਨੂੰ। ਓਏ ਸੰਭਲ ਕੇ। ਹਾਂ ਐਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਤੇ ਆਪ,
थोड़ी देर रुक के चले जाना। फोन नहीं आंदे बाजी हुणी। मोत रूम नंबर कहना सी अपना 122। अब बाकी दा सामान चक लेंगे बन के। पर भाई जी, रूल रेगुलेशन के मुताबिक एक महीना पहले का नोटिस देना होता है, ऐसे नहीं कोई निकाल सकता। होर यार, ओही ता उधर दा मैं समझाउना भी लाओ भी कोई चीज आ तलविंदरा। हाँ। हेलो, 8 महीने तो ना तैनू भी मकान मालक लाओ ही समझा रहा सी, पहला आप ता लाओ मुताबिक चलया करो, फिर कहंदे कानून अंधा हुंदा। अच्छा कोई बात नहीं भाई जी, जब तक आपको रूम नहीं मिलता आप यहां पर आराम से रहो, ठीक है? मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूं। हाँ अभी ठीक है यार मोहतर, चल आया बज के। ठीक है। बिस्कुट भी? हाँ जी भैया। बिस्कुट खवा लो इन। आराम कर लिए हुण? कर ला जिन्ने घंटे थे। ओ डराउना क्यों भरावा, तू तो डराउंदा भी नहीं, पंड सीधी सरती चका दिना। तू ही सीधी कर ली। हाँ हाँ लेट ला, थक गए। थक गया होएगा। मेरे वाले कमरे के गद्दे देखे ही आधा भाने फटे जाने ना नरी पकड़ जाए कि नहीं। हाँ देखा मैं तेरा महाराजा बैड। ओए हाँ, तेरी टी शर्ट मेरे बैग च की कर दिया चक, अज तो बाद तेरा कोई कपड़ा नहीं देखना चाहिए इत्थे। हाँ तो धक्का यार, फिर हुण तलविंदर पहला मंजा भी आपकी मर्जी ना इधर ला ले लिया, हुण फिर आप पंड खोलन लगी जे चो तेरा कुछ कपड़ा निकलिया तो फिर देखांगे। भाई जी मेरा सामान। सारा निकाल दिया। ओ फिर अलमारी तो जगह नहीं सी ना बची। दीपे तलविंदर मैं कहना आपा बाकी सामान फिर हाले गड्डी ची रख लेने, उरे नहीं टिकना। ये भी ठीक है वैसे। नहीं भाई जी वो भी ले ही आओ। वो है मोह यार, फिर चंगा नहीं ना लगता, तेरा कमरा है ना। बोलता नहीं। ना ना भाई, असी तेनू तंग नहीं करना, अस तो टाइम टपाउना जिन्ना चिर कमरा नहीं मिलता। हाँ भैया। ओ चाह तो फड़ा जा। हाँ धन्यवाद, ला डफलाओ। लव यू। दीपे मैं ही कहता सी उत्ते भी खासी जगह जी पई है यार। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से पहले साइन लिया था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी माँ को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था। इतना लंबूदा नहीं? मजाक करदा। मैं कितने च लिख लिया, वो अजकल चलता ना एक कम कापी पेस्ट जेड़ा। पंजाबी फिल्मां च? सॉरी कर लेंदे ने। तलविंदरा तलविंदरता तू बन गया, मैनू लगता तेरी फिल्म तो पहला सनी भोबी ना आ जाना। डायरेक्टर है मेरी। हाँ जो शुरू हुंदा हुंदा भाई मैं देखिया फिल्मा च देखिया यार, इन्ने के तां असी भी चोल मोल फिल्मा तेरे नाल रह के लव शव जा बस कर यार मुड़े आ। मेरा नाम रोनी नी, रावण है रावण, इको लंका इको लंकेश्वर, त्यो मैं। लिया मैनू दो, मैं थोनू दस्सदी। लफ़्ज़ां च होना ना बयाने, आपे मेरे नैना विचों पढ़ ले तू मेरा इश्क बेजुबाने।
जो पढ़ ले तू मेरा इश्क बेजुबान। नाल में अल्लाह वालों दिता नजराना हो गया वेख तेनु साह विच सायों दे तेरे लिए मिले ने खोरे तायों दे तेरे उते काफिर दा डोले आई अपने कोल दिन बहुत थोड़े रह गए तेनू छेती डिसीजन लेना पैना वैसे ऑप्शन बिक्रम भी सही है बिक्रम नमस्कार भैया जी। भैया जी मैं मोहित चंदेल, आप ड्रीमलैंड देख रहे हो ना? आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ब्राउन स्ट्रिंग रैकेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको ड्रीमलैंड की हर एक अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। सैक्टर 15 लाउंदा पहरी जिंदरा ते लुट लहिंदा चंद्रा जुनी जोगी दियां मुंदरा सटू सी राणी सुंदरा नी बचदा पतंदरा कदे हीर दे बागा च हुंदी होनी कदे हीर दे बागा च हुंदी होनी जो हुंदी चंडीगढ़ च दुपहर ओ चौंका वाले घूमदी जवानी जवानी दियां उंगलां ते शहर चौंका वाले घूमदी जवानी जवानी दियां उंगलां ते शहर ਬਵੰਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਚੱਲੇ ਹੁਸਨ ਹੜੰਬਾ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਦੀ ਆ ਹਵਾ ਮਾਝੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਦੀ ਆ ਹਵਾ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਉਹ ਚੌਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਜਵਾਨੀ